हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू लर्न वेंट्रोलोकिज्म इन हिंदी, लेसन नंबर 3। तो आज का सब्जेक्ट है, जो वर्ड है आज का वो है प। हमारे इसमें सबसे कठिन जो वर्णमाला है उसमें से जो एक अक्षर है वो है प। प बहुत ही डिफिकल्ट है, ये आपको बहुत ज्यादा परेशान भी करेगा। इसमें 101% लिप्स हिलते हैं, प बोलते वक्त आपके लिप्स जरूर हिलेंगे। बट इसके ऊपर भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है, डोंट वरी। सॉल्यूशन ये है, जब आप पपेट के साथ बात करोगे, जब आप बोलोगे प, उसके अल्टरनेटिव आपको बोलना है त। त यानी तलवार और प यानी पानी। तो गाइस, इसको प्रैक्टिस करते वक्त आपको प की जगह त बोलना है, यह आपके पपेट का वर्ड है। मेरे पास एक वाक्य है जिसमें प का ज्यादा उल्लेख हुआ है, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो वो वाक्य ऐसा है, पतीले का पानी पिताजी को पिला देना। ये बहुत ही आसान है, बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे और आसान हो जाएगा और बेहतर भी हो जाएगा। गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो वर्ड है, ये जो पूरा वाक्य है, इसे मैं कैसे बोलूंगा बिना अपना मूड लाए। सो गाइज, उसकी भी प्रैक्टिस में बता देता हूँ। बात करते वक्त ऐसे बात करना है, पतीले का पानी पिताजी को पिला देना। ये वाक्य आप फास्ट फास्ट बोलोगे, जल्दी जल्दी बोल के निकल जाओगे, ये वाक्य सरलता से त की जगह प सुनाई देगा। ये इल्यूजन है वॉइस का। सो आप जितने जितने प्रैक्टिस करते रहोगे, जितना जितना फास्ट बोलते रहोगे, वो वर्ड आराम से और स्मूथली निकल जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने मुंह बंद करके इसका प्रोनाउंसिएशन किया था। सो इसे प्रैक्टिस करते रहिए और आपका ये प वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। सो गाइज, ऐसी ही वीडियो मेरी देखते रहिए और इसे सीखते रहिए। आगे मैं लेसन लाते रहूंगा और मैं सॉरी भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो लेसन है ये वाला थोड़ा लेट हो गया। बट आगे से आपको टाइम टू टाइम हर वीक आपको एक वीडियो जरूर देखने मिलेगी। सो गाइज, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, आगे के वर्ड में मिलते रहेंगे। और जाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन है वो जरूर दबा देना। थैंक यू।